वेलकम दोस्त, आज बोट एंड स्ट्रीम के कुछ नए सवालों के साथ। तो पहला सवाल है, ये बोट गोज 14 किमी अपस्ट्रीम इन 42 मिनट्स, राइट? बी अपस्ट्रीम बोला है, ओके? तो अपस्ट्रीम मतलब वी माइनस एस अगर हो 14 किमी बटे 42 मिनट्स, जब है 60 से डिवाइड करो 60 ऊपर चल जाएगा, 10 7 2 20, और हम लोगों को दिया है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 4, स्ट्रीम दे दिया है 4, ओके? तो वी कैसे निकालोगे? सिंपल है यार, 24 होगा। वी माइनस एस अगर 20 दिया हुआ है और एस दिया हुआ है 4, तो वी आ जाएगा 24। सिंपल। दूसरा क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर मतलब वी दिया हुआ है 7 किमी, द स्पीड ऑफ द स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, राइट? डाउन स्ट्रीम मतलब वी प्लस एस 10 है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। सिंपल है, वी प्लस एस अगर 10 है, वी अगर 7 है, तो एस ऑब्वियसली 3 होगा, ओके? अभी तीसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन में बताया गया है, आदित्य कैन रो विथ स्ट्रीम मीन्स डाउन स्ट्रीम 10 किमी पर आवर एंड अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब अप स्ट्रीम वी माइनस एस इज 6 स्पीड ऑफ द स्टिल वाटर। सिंपल है यार, प्लस करो, ये दोनों कट जाएगा, ये 16 आ जाएगा, यहाँ 2v इक्वल टू, तो वी आ जाएगा 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, सॉरी, ये जो 4 नंबर क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ द मैन इज स्पीड ऑफ द मैन इज 12 किमी पर आवर इन स्टील वाटर, राइट? स्टील वाटर दिया गया है। इफ द रेट ऑफ करेंट, सिंपल, वी दिया गया है हम लोग को 12, स्पीड ऑफ द करेंट एस दिया है 4, इफेक्टिव स्पीड ऑफ द मैन इन अपस्ट्रीम, आपको पूछा गया है अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब वी माइनस एस, सिंपल, 12 माइनस 4 दैट इज 8। पांचवा क्वेश्चन, ए मैन मूव्स डाउन स्ट्रीम मतलब वी प्लस एस दिया गया है 14 और अपस्ट्रीम एट अ रेट ऑफ 6 किमी, आपको वी माइनस एस दे दिए गए हैं 6, तो स्टिल वाटर, ये भी सिंपल है यार, 20, 2v का मतलब अगर 20 होगा तो वी आ जाएगा 10, ऑप्शन बी। आज इतना सही, नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे, अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।